फाउंडेशन ऑफ इंडिया को पहले ही ये जब उनका विजिट यहाँ पे हुआ था ये साफ अल्फाज में कहा था कि वी वॉन्ट अपनी पी एन पी एल इलेक्शन इन जम्मू कश्मीर, इतने सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है और उन हालात के बाद इलेक्शन हो रहा है जिन हालात के बाद हमारा डेमोक्रेसी और इसकी फंक्शनिंग पे जो कमिटमेंट था उसको चोट पहुंचाई गई। नाउ उस एतमाद को रिस्टोर करने के लिए ये जो सिलसिला शुरू किया है ये आखिरी कदम नहीं है, शुरुआत है डेमोक्रेसी में जमहूरियत में हमारा एतमाद बहाल करने के लिए। पहला कदम है कि ये इलेक्शन असम्बली इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसके लिए हमने कहा था कि सबसे अहम बात है कि ये पी एम के इलेक्शन हो, इसमें इलेक्शन कमीशन देखे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी तरह से भी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें इस तरह का इम्बैलेंस क्रिएट ना किया जाए जिसमें प्रिजुडिस दिखे, बायस दिखे, किसी खास तबके को, जमात को यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाने के लिए या उनके टूवर्ड्स हालात को टिल करने के लिए इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। मेरे कोलीग्स ने पार्टी में अप्रिहेंशन जाहिर किया है कि जो यहाँ पे कल पोस्टिंग्स हुई, आपने देखा होगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ पे पोस्टिंग्स हुई, और अप्रिहेंशन इस हवाले से है कि इन पोस्टिंग्स की, इन ट्रांसफर्स की ज़रूरत इस वक्त क्यों पड़ी, ये एक्सप्लेनेशन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चाहते हैं। और इन पोस्टिंग्स में, ट्रांसफर्स में आपने देखा होगा कि बारामूला में उनकी पोस्टिंग सिर्फ 10 दिन पहले जो इन्फॉर्मेशन कोलीग्स ने मुझे दी और जिससे ही अप्रिहेंशन ज़ाहिर होता है, अगर 10 दिन पहले ही वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी एसएसपी की और 10 दिन के बाद ही एसएसपी को वहाँ पे चेंज क्यों करना पड़ा, क्या जैसा कि मेरे कोलीग्स बता रहे हैं कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या आउटफिट की रिक्वेस्ट पे 10 दिन में ही ये फैसला बदला गया, क्या किसी खास पार्टी को उनकी रिक्वेस्ट पे उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पोस्टिंग किए गए? अप्रिहेंशन इस बात से ज़ाहिर होना या पैदा होना ये लाजिम सी बात है। अगर 10 दिन पहले ही आपने वहाँ पे पोस्टिंग की थी, क्या इस तरह की कौन सी ज़रूरत आपको महसूस हुई कि जिससे आपको 10 दिन के अंदर अंदर ही फैसला बदलना पड़ा और पोस्टिंग ट्रांसफ़र करनी पड़ी? तो हम आपके ज़रिए से इन पोस्टिंग्स के पीछे जो इंटेंट है, ट्रांसफर्स के पीछे जो इंटेंट है और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि ये चेंजेस क्यों करनी पड़ी रातोंरात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और आपके ज़रिए हम चाहते हैं कि जो कमिटमेंट हमने दी है कि डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में हमारा जो रोल रहता है, जम्मू कश्मीर की आवाम का जो रोल रहता है, पोलिटिकल पार्टी का जो रोल रहता है, उसमें सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम अपनी तरफ से वो रोल निभाएंगे डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में। जो हमारे एफर्ट्स हैं वह एफर्ट्स हम ज़रूर देंगे, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमने कमिटमेंट मांगी थी कि इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी, इस तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी जिससे शक भी हो कि इलेक्शन शायद क्रिएट किया नहीं होंगे या इलेक्शन में किसी किस्म का इम्बेलेंस होंगे।